गई होगी। रजिया, अरे सुन तो ले। अरे कहाँ है रजिया? वहां पे भी नहीं है। पूरे घर में देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। अरे रजिया के अब्बा, रजिया के अब्बा, रजिया घर पे नहीं है। क्या रजिया घर पे नहीं है? देखा, जिस बात का डर था वही बात हुई। अरे और ढील दो, देखो कैसी मुंह पे कालक पोत के गई है वो हमारे। शादी के कपड़े, कैश, देवर सब कुछ साथ ले गई वो। अरे अल्लाह, या खुदा, खुदा गारत करे ऐसी औलाद को। अब लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे अब? मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बर्बाद कर दिया हमें। कहते हैं इंसान का अपनी बदनामी, बेइज्जती और जिल्लत को लोगों के सामने बर्दाश्त करना एक बड़े दिल गुर्दे की बात होता है। खतीजा और इस्माइल के घर में चोरी और रजिया घर से फरार होना एक सवाल था। क्या रजिया घर से खुद भाग गई थी या फिर इसे कोई भगा के ले गया था? जी हाँ, ये वाकया है एक मौजिस और शरीफ खानदान के घर का, जहाँ इनकी बेटी रजिया ने अपने माँ बाप के माथों पर बदनामी का दाग सजा के इन्हें मोहल्ले और खानदान के सामने जलील और रुसवा कर दिया था। रजिया का घर से फरार हो जाना, आमतौर पर जब लड़की अपने घर से कपड़ों और जेवर के साथ फरार हो तो फिर उसकी एक ही वजह सामने आती है और वो होती है पसंद की शादी। क्या रजिया किसी को पसंद करती थी या फिर उसके माँ बाप उसकी शादी के खिलाफ थे और उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे? अगर ये दोनों बातें मान ली जाए तो ये बात तो तय है कि रजिया जिस किसी के साथ भी भागी थी उसे रजिया के वालदैन बहुत अच्छी तरह जानते थे। देख लिया ना, ये सब तेरे ढील देने का नतीजा है। इसी दिन के लिए मना करता था। कुछ करो रजिया के अब्बा, ऐसा करो उस कमीने के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। अरे इस तरह तो और बदनामी होगी। तुमने उसका नंबर ट्राई किया? हाँ किया था। क्या हुआ? जब से कर रहा हूँ बंद ही जा रहा है। ऐसा करो उस कमीने के घर जाके पता करो। हाँ यही करता हूँ। ऐसा कर तू भी मेरे साथ चल। चलो। जमील, अच्छा नहीं क्या तेरे बेटे ने? हम उस कमीने को छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ, क्या किया मेरे बेटे ने? अंदर आओ, अंदर आके बात करो। हम यहाँ बैठने बैठने नहीं आए। अच्छा आराम से बात करो, आखिर क्या कर दिया मेरे बेटे ने? हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने हमें। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो, पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है? तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को भगा कर ले गया है। भगा कर ले गया है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा तो। हाँ हाँ यही कहोगे ना, मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कब तक छुपेंगे वो, एक ना एक दिन तो सामने आएंगे। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा दोनों के। क्या हो गया अब्बू, इतना शोर क्यों हो रहा है? बेटे इन दोनों का ख्याल है कि तुम रजिया को भगा के ले गए। मैं भला इनकी बेटी को क्यों भगा कर ले जाऊंगा? नाटक कर रहा है रजिया के अब्बा ये, जरूर इसी ने रजिया को कहीं छुपाया है। देखिए आंटी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने आपकी बेटी को कहीं नहीं छुपाया है। देख अदिल, शराफत से बता दे रजिया कहाँ है, वरना। वरना क्या कर लेंगे आप? वरना मैं पुलिस का सहारा लूंगा। पुलिस की धमकी दे रहे हो, जाओ पुलिस को लेके आओ। तुमने सुना नहीं अदिल ने क्या कहा है तुमसे? जाओ पुलिस को लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है देख लूंगा तुम दोनों को भी। चल खतीजा, दिखाता हूँ इनको भी। मैं
मेरा नहीं ख्याल कि अदील ने उसे कहीं छुपा के रखा है। अरे घर में रह के ड्रामे कर रहा है ताकि शक ना हो उसे किसी पर। लेकिन उसके अलावा किसी और के साथ जा भी नहीं सकती वो। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ उसके खिलाफ। हाँ बदनामी तो हो ही गई है, अब यही करना पड़ेगा। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ रजिया के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। हम क्या जवाब देंगे, अब तो वही हमें टका सा जवाब दे देंगे। ला कहीं का ना रखा इस लड़की ने, हमें सारी इज्जत खाक में मिला के रख दी हमारी। अरे अगर उन्होंने निकाह कर लिया हुआ तो? अरे कह देना वरगलाया था हमारी बेटी को, गुमराह कर दिया था उसे। लेकिन अगर रजिया ने पुलिस के सामने हमारे ही खिलाफ बयान दे दिया तो? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कुछ भी कर सकती है वो। अगर उसे हमारी इज्जत का जरा भी पास होता तो वो ये कदम नहीं उठाती। पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो आज ये मुझे दिन देखना पड़ रहा है। उसने तो हमें जीते जी मार डाला। अगर उस दिन ही मैं कोई फैसला कर लेती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ते मुझे। बदतमीज कुत्ता, अपनी माँ से जबान चलाती है तू? अपने हक के लिए बोलना कोई गुनाह नहीं है। अब तू हमें बताएगी कि तेरा हक हम पे क्या है? मुझे अपनी पसंद पे पूरा पूरा हक हासिल है और तुम पे हमारा कोई हक नहीं है। आपका जो हक है वो अदा करें और मेरी हक तलफी ना करें। तुम्हारे ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे हम? मुझसे पूछा था आपने, अब खुद ही जवाब दें। एक बात कान खोल के सुन ले, हमारे जीते जी ये हरगिज नहीं हो सकता और मैं अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। धमकी दे रही हो, डरा रही हो तुम मुझे? अगर आपकी नजर में धमकी तो धमकी सही। हाय हाय मेरे खुदा, कैसी जबान चल रही है इसकी। बेहतरी इसी में, वो रिश्ता खत्म करते और जहाँ मैं चाहती हूँ मेरी शादी वहाँ कर दें। आने दे तेरे बाप को, तेरी टांगे तोड़वा के इसी घर में बिठा देंगे, लेकिन तेरी शादी हरगिज वहाँ नहीं करेंगे जहाँ तू चाहती है। तो फिर ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। काश के मुझे ये पहले पता होता कि तू ये गुल खिलाएगी तो मैं तेरा गला दबा देती। अम्मा अब ये वो दौर नहीं रहा जहाँ लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह धकेल दिया जाता था। अरे क्यों हमारी छाती पे मूंग दल रही है तू? हाँ रजिया, बात की तुमने अपने अम्मी अब्बू से? की थी। फिर? वो नहीं राजी हो रहे। फिर अब क्या होगा? तुम बताओ। अम्मी आ गई, मैं अम्मी। यार एक तो तुम्हारी अम्मी भी ना, जब देखो बीच में आ जाती है। अगर तुमने अब रजिया को फोन किया ना तो तुम्हारी दोनों टांगे तुड़वा के तुम्हारे अब्बा को भिजवा दूंगी मैं, समझे तुम? आने दे तेरे बाप को, आज फैसला होकर ही रहेगा। अगर उस दिन हम कोई फैसला कर लेते ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। तुम ठीक कहती हो खतीजा बेगम। अब कुछ भी हो देखा जाएगा, तुम जाके रिपोर्ट लिखाओ उसके खिलाफ पुलिस में। हाँ कहीं देर ना हो जाए। रजिया के वालदैन नहीं चाहते थे कि उनकी मजीद बदनामी हो, यही वजह थी कि पहले तो उन्होंने खुद रजिया को अपने तौर पे तलाश करने की कोशिश की। उनके वालदैन का पूरा पूरा शक अदील पे था और आखिर क्यों ना हो, रजिया अपनी माँ के सामने अदील की मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। दूसरी जानिब रजिया का बाप पुलिस स्टेशन में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराता है। उधर पुलिस अदील के घर पे छापा मार के तलाशी लेती है, लेकिन तलाशी के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे पुलिस रजिया तक पहुंच सके। अदील को इंटेरोगेट किया जाता है और उसमें भी कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आता। अभी पुलिस रजिया के केस को सॉल्व करने में लगी होती है, उधर SHO साहब को रजिया के बारे में एक अहम खबर मौसूल होती है। कुछ बताया उस लड़के ने रजिया के बारे में? नहीं सर, बहुत डीट लगता है, इतनी आसानी से नहीं बताएगा। जरा देख समझ कर कहीं लेने की देने ने पड़ जाए। सर आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, आजकल मीडिया वाले भी जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। मीडिया वालों का तो बस नहीं चलता सर, राई का पहाड़ बना देते हैं। हेलो सर, आसिफ बात कर रहा हूँ। आसिफ बोलो। सर एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सर ये अस्पताल में डेड बॉडी आई है। किसकी है वो? सर हम जिस लड़की को तलाश कर रहे हैं, रजिया की। क्या रजिया की डेड बॉडी? अस्पताल वाले उस लड़की के बारे में क्या कहते हैं? सर उसे मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया है।
चेक तो कर लिया था ना कि वो रजिया ही है। जी सर वो रजिया ही है, अस्पताल वालों ने तो उसके घर वालों को भी इत्तला कर दी है। डेथ कैसी हुई इसकी? सर गला घोट के मारा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम वही रुको, हम भी अस्पताल ही आ रहे हैं। ठीक है? ओके सर। ओके ओके। खैरियत है सर? खैरियत नहीं है, आसिफ की कॉल आई थी, हमें फौरन अस्पताल चलना होगा। सर अदील का क्या करना होगा? उसे अस्पताल से वापस आकर दो दो हाथ करते हैं। सबर करो बेगम, सबर करो, खुदा को यही मंजूर था। कैसे सबर करूं रजिया के अब्बा, मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन सच यही है, सच यही है। अपनी जिंदगी पाने के लिए घर से निकली थी, मौत को गले लगाने के लिए नहीं। अब तो पुलिस ही पता लगाएगी कि उसने खुदकुशी की है या उसका कत्ल किया गया है। पैसा, जेवर, औलाद सब कुछ छिन गया हमारा। ठीक कहा तुमने, अगर उसने खुदकुशी की होती तो हमें जेवर पैसा मिल जाता। सब कुछ हड़प करके जान से मार दिया उसे। अरे उसकी नियत ही नहीं थी उससे शादी करने की। लेकिन उसकी मौत रायगा नहीं जाएगी। ये जो ऊपर वाला है ना, ये इंसाफ जरूर करता है, ये इंसाफ जरूर करता है। मेरे खुदा। देखो अदील, सच सच बता दो कि इस केस में तुम्हारा कितना हाथ है। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा इस केस में कोई हाथ नहीं है। सर इसकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं, थोड़ी देर के लिए फिर ले जाओ इसे। क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करते थे? क्या उससे शादी करना नहीं चाहते थे? ये सच है इंस्पेक्टर साहब कि मैं उससे मोहब्बत करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन लेकिन क्या है? लेकिन सर जब एक दिन वो मुझसे मिलने आई। क्या बात है रजिया, ना तुम फेसबुक पे मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करती हो और ना ही कॉल और एसएमएस का, एनी इशू? बात ये कि आजकल अम्मी अब्बू ने मुझ पे बहुत सख्त नजर रखी हुई है, मौका ही नहीं मिलता। लेकिन तुम तो मुझे अक्सर इंटरनेट पर ऑनलाइन मिलती हो। वो तो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो रजिया। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में जिया नाम का इजाफा हुआ है। तुम्हें कैसे पता? तुमने अपनी फ्रेंड लिस्ट हाइड करने से पहले उसे ऐड किया था। हाँ मेरी प्रोफाइल की सेटिंग कुछ आउट हो गई है। तुम ठीक कहती हो रजिया, तुम्हारी सेटिंग कुछ आउट ही हो गई है। तुम गलत समझ रहे हो। तुम ठीक कहती हो रजिया, मैं गलत समझ रहा था, लेकिन अब बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। बात ये नहीं, अम्मी अबू तुम उसके बाद मेरा उससे कोई रابطہ नहीं हुआ। तुमने उससे दोबारा रابطہ क्यों नहीं किया? सर
मेरी नज़र में उस बेवफा लड़की से दोबारा रब्ता रखना बेकार था। अच्छा, रजिया की आईडी किस नाम से थी? रजिया सुल्तान के नाम से सर, उसकी पिक भी लगी हुई है। और जिया का पूरा नाम मालूम है? जियाउद्दीन खान। उधर सर, इसे लॉकअप करो। ओके सर। हाँ आसिफ, तुमने रजिया का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया? सर वो आज मिल जाएगा। तुम उसकी कॉल रिकॉर्ड और उसकी सोशल मीडिया हिस्ट्री का भी जायजा ले लो। ओके सर। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। सर आप फिक्र ना करें, मैं दोनों काम आज ही कर लूंगा। गुड। पुलिस अभी तक रजिया की गुमशुदगी और मौत का मामला हल नहीं कर सकी थी, लेकिन पुलिस को इस बात का यकीन हो चला था कि अदील का रजिया की गुमशुदगी और मर्डर में कोई हाथ नहीं। अदील के आखिरी बयान से पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिससे पुलिस के अंदर ये उम्मीद पैदा हो गई कि इस बार वो अपनी तफ्तीश में कामयाब हो जाएंगे। ना सिर्फ कामयाब हो जाएंगे बल्कि असल मुजरिम तक भी पहुंच जाएंगे। हाँ मुदसर, क्या प्रोग्रेस है? सर अदील इस केस में बेकसूर लगता है। कौन कसूरवार है यही जायजा लेने के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था। मैं बताता हूँ सर, कसूरवार कौन हो सकता है। कौन हो सकता है सिर्फ कसूरवार? सर रजिया, अदील और जिया की कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज की रोशनी में मेरे शक की सुई जिया पे जाके अटक गई है सर। मतलब तुम्हारी नजर में जियाउद्दीन खान ही असल कसूरवार है? यस सर। एक बात और सर, जियाउद्दीन खान उसकी जाली आईडी है। अच्छा, उसका असल नाम नबील है और वो नई कराची का रहने वाला है। गुड, फिर देर किस बात की है? सर आपके ऑर्डर का इंतजार है। मुदस्सिर। यस सर। आज रात छापे की तैयारी करो। ओके सर। वेल डन आसिफ, वेल डन। सर ये है वो लड़का नबील। जी सर, मैं ही नबील हूँ। आसिफ, गिरफ्तार कर लो उसे। लेकिन सर मैंने किया क्या है? जाली आईडीज बना के मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो। इसके घर की तलाशी लो। ओके सर। सर मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। जियाउद्दीन खान किसका नाम है? जी 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 सर, वो तो रजिया को तो जानते हो ना। कौन रजिया? वही रजिया जिसे तुम जियाउद्दीन खान के नाम से धोखा दे रहे हो। और ये कपड़े किसके हैं? ये तो वो, ये मेरी फैमिली के कपड़े हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम इस घर में अकेले रहते हो। और ये ज्वेलरी भी तुम्हारी फैमिली की है? जी सर, ये तो सर ये झूठ बोल रहा है। फैमिली के कपड़े और जेवर बैग में क्यों रखे हुए हैं, अलमारी में क्यों नहीं? आसिफ, इसे थाने ले चलो, वही पूछते हैं। ओके सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने कुछ नहीं किया तो ये सब क्या है? चलो शराफत से चलो। तुमने ही उसे कत्ल किया है। सर मैंने उसे नहीं मारा। ये क्या कर रहे हैं अभी? अपनी सफाई थाने में चल के पेश करना। सर आसिफ, इन जेवरात और कपड़ों की शिनाख्त रजिया के घर वालों से करवा लेना। ओके सर। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग ले आई। पुलिस ने ना सिर्फ नबील को गिरफ्तार कर लिया बल्कि इसके पास से कपड़े और जेवरात भी बरामद कर लिए और रजिया के वालदैन से शनाख्त भी करा लिया। अब रह गया था केस का आखिरी अंजाम कि रजिया को किस तरह कत्ल किया गया था। जब पुलिस ने नबील से अपने रिवायती अंदाज में तफ्तीश की और इससे पूछा कि कहानी के पीछे असल हकीकत क्या है, तो उसने पुलिस को कुछ इस तरह बताया। सर रजिया की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे तुम शुरू से बताओ कि ये सब क्यों और कैसे किया। सच बोलना, झूठ बोलने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। सर रजिया और मेरी दोस्ती इंटरनेट के जरिए हुई थी। रजिया, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पे यकीन नहीं है? अगर तुम पर यकीन ना होता जिया, तो कभी तुमसे दोस्ती ना करती। तुम्हारी पिक देखी, बहुत खूबसूरत हो तुम रजिया। मुझे सामने देखोगे तो डर जाओगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। कम से कम आज अपनी खूबसूरत आवाज़ का रस्सी मेरे कानों में घोल दो। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी आवाज खूबसूरत है? खूबसूरत चेहरा ही खूबसूरत आवाज का मालिक होता है। तो
फिर मुझे इस नंबर पर कॉल करो। सर चैटिंग के अलावा अब हमारी रोज मोबाइल पे भी बात होने लगी थी। रजिया मैं तुमसे रोज ही बात करता हूँ मगर फिर भी एक तश्ने की बाकी रहती है। जिया तुमने ही तो कहा मैं तुम्हारी आग का तार हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। तो क्या ये तड़प तुम्हें महसूस नहीं होती? अपने महबूब से मिलने की आरज़ू किसे नहीं होती। तो फिर हमारे दरमियान ये फासले क्यों? रस्म और रिवाज की खानदानी जंजीरों ने मेरे पांव जकड़ रखे हैं जिया। रस्म और रिवाज की जंजीरें मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर नहीं होती रजिया? हाँ मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की तरफ खुद ही खींचे चले आते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। तुम बदल तो नहीं जाओगे जिया? दुनिया बदल सकती है मगर जियाउद्दीन खान नहीं। तुम्हारे इन्हीं हौसलों ने तो मुझे भी बहादुर बना दिया। मतलब तुम अब अपने हक के लिए जंग कर सकती हो? हाँ मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ जिया। तो फिर हम कब मिल रहे हैं? बहुत जल्द जिया। मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूँगा रजिया। मुझे भी तुमसे मिलने के बाद सुकून मिलेगा। जिया मेरे अम्मी अब्बू तुमसे शादी के लिए रजामंद नहीं है। तो क्या फिर तुम वहीं शादी करोगे जहाँ वो चाहते हैं? नहीं जिया मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बनाऊंगी। तो फिर हमारी शादी कैसे होगी यार? तुम जहाँ रखोगे जैसे रखोगे जिस हाल में रखोगे उफ नहीं करूंगी। मतलब तुमने सच में अपना घर बार और माँ बाप को छोड़ने का फैसला कर लिया है? तुम पर मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ जिया। लेकिन रजिया शादी के बाद तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी शादी के लिए कपड़े जेवर और कुछ पैसे रखे हैं, मैं वो सब ले आऊंगी। और अगर तुम्हारे अब्बा तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुँच गए और पुलिस केस कर दिया तो? तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर तुम एक काम करना, जब कल तुम्हें मैं फोन करूँ ना तो अपना सामान लेके अपने घर से आ जाना, ठीक है? तुम कितने अच्छे हो जिया। सर दूसरे दिन मैंने उसको फोन करके अपने घर आने को कहा और इसे अपना सब सामान और जेवरात पैसे लाने के लिए भी कहा और जब वो मेरे घर आई। बैठो। जिया बताओ ना कब कर रहे हो मुझसे शादी? अरे मेरी जान इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, सुबह देखेंगे। जिया मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा किया, वैसे तुम्हें घर से निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, जब सुबह उठेंगे तो पता चल जाएगा। रजिया आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है और मैं आज की रात को यादगार बना देना चाहता हूँ। हर लड़की का यही तो ख्वाब होता है कि उसका जीवन साथी बहुत प्यार करने वाला हो। मुझे तुम मिल गए, अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। रजिया मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। और मेरा ख्वाब ताबीर बनकर मेरे सामने अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद है। ये ख्वाब तुमने अकेले नहीं देखा, मैंने भी देखा। जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वही सच्चे ख्वाब देखते हैं। हाँ जिया। रजिया हाँ एक बात कहूँ तुम्हें पता है मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी रियली
जिया ये क्या कर रहे हो? जिया छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? जिया छोड़ो मेरा गला, छोड़ो। मैंने रजिया को धोखा दिया है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था। फिर तुमने ये जुर्म क्यों किया? सर, जब उसने पैसों जेवर का मुझे बताया तो मेरे दिल में लालच आ गई थी। और लालच में अंधे हो गए, तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं लालच में वाकई अंधा हो गया था। अब अपने जुर्म की सजा के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने जुर्म की हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुदस्सिर, यस सर। इसका चालान बनाओ और कल सुबह अदालत में पेश करो। ओके सर।